मोरावा नगर पंचायत प्रत्याशी कुंवर विवेक नारायण सेठ का पर्चा हुआ खारिज, लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। मोरावा में इस समय चुनावी सियासी पारा सातवें आसमान पर चढ़ा हुआ है। दो प्रत्याशियों के बीच होने वाले चुनाव अपने आप में रोमांच की पराकाष्ठा पार कर रहा है। बताते चले कि एक ऐसा परिवार है जो दावा कर रहा है कि 35 वर्षों से निरंतर शुक्ला परिवार में ही रही है और आगे भी रहेगी, जिसको उखाड़ने वाला हिलाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। यहाँ पर एक ही हुकूमत कार्य करती है। शुक्ला बंधुओं के आतंक के आगे मतदाता भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में अराजकता भरे माहौल में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रत्याशी उतारा, जिसके प्रस्ताव को पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रत्याशी ने डरा धमका कर नाम वापसी करा दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा खारिज होने के बाद चुनाव लड़ने वाले विवेक नारायण सेठ ने पत्रकार वार्ता के दौरान अपनी पीड़ा पत्रकारों को बताई कि दबंग नेता जब पुलिस को खदेड़ सकते हैं, मोरावा थाना प्रभारी अमरनाथ यादव को बंधक बना सकते हैं, तो आम जनमानस में डर और खौफ किस कदर होगा, यह अनुमान लगाना मुश्किल है। उन्नाव से मनीषा यादव की रिपोर्ट। मुद्दा यही है कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला था और जो मेरे विरोधी है नवनीत शुक्ला, वो भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे। मेरा टिकट फाइनल हो गया तो उनका नहीं हुआ। मैंने भारतीय जनता पार्टी से 17 तारीख को नामांकन कराया, जिसके उपरांत 17 तारीख की शाम को मेरे प्रस्तावक को डराया धमकाया गया, इनके द्वारा गाली गलौज करी गई, जिससे भयभीत होकर के मेरे प्रस्तावक ने प्रस्ताव वापस लिया है। कोशिश कर रहे हैं कि प्रस्तावक से बात हो जाए और सिंबल बहाल हो जाए। बाकी मेरा एक अन्य पर्चा था जो मैंने पूर्व में जब तक टिकट नहीं फाइनल हुआ था वो किया था, वो अभी स्टैंड कर रहा है। और इस बात से मैं बहुत ज़्यादा इस समय परेशान हूँ कि इस तरीके की गुंडागर्दी जो ये लोग कर रहे हैं, पूर्व में भी इन्होंने पुलिस के अभद्रता करी, जिसका मुकदमा भी इनके ऊपर और लगभग 100 लोगों पे मुकदमा हुआ है। और बाकी मैं पूरा प्रयासरत हूँ कि मेरा प्रस्तावक से मेरी बात हो जाए, जो अभी हो नहीं पा रही है, और मेरा सिंबल बहाल हो जाए, क्योंकि मैं सिंबल से ही चुनाव लड़ना चाहता हूँ। इनके आपत्ति में मेन जो बिंदु है वो प्रथम तो इनका जो चल अचल संपत्ति इन्होंने अपनी दिखाई है, उसमें अचल संपत्ति में इन्होंने अपनी संपत्तियां छुपाई हैं, कई संपत्तियां छुपाई हैं, अपनी पत्नी की संपत्तियां छुपाई हैं। और इनकी मार्कशीट में इनकी जो इन्होंने टीसी लगाई है उसमें इनके जनपद में विरोधाभास है। यही सारी आपत्तियां मैंने वहां पर दर्ज, मैं संलग्नक के जो है निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कलेक्ट कराई हैं।